सिम एक्टिवेशन के नए रेगुलेशन के अनुसार एक्टिवेशन करते समय आपको कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहली मुख्य बात है कि कस्टमर की लाइव फोटो के साथ अब रिटेलर की लाइव फोटो को भी कैप्चर करना मैंडेटरी है। इसके लिए कस्टमर की लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद ही रिटेलर को अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी। दूसरी मुख्य बात है कि कस्टमर और रिटेलर की लाइव फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड में ही क्लिक करना होगा। तीसरी मुख्य बात, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का फोटो सही तरीके से क्लिक करना होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट को हमेशा टेबल, काउंटर या प्लेन सरफेस पर ब्लैंक A4 पेपर के ऊपर रखकर ही फोटो क्लिक करें। फोन को हमेशा डॉक्यूमेंट के ठीक ऊपर रखें और फोन को स्टेबल रखें। डॉक्यूमेंट को सही रोशनी में रखकर ही फोटो क्लिक करें। ध्यान दें, फोटो क्लिक होने के बाद सेव करने से पहले इमेज टिल्टेड यानी झुकी हुई ना हो और फोटो स्क्वीड यानी तिरछी ना हो। फोटो की क्वालिटी चेक कर ली और ये सुनिश्चित करें कि डॉक्यूमेंट में दी गई सभी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सकती है। चौथी मुख्य बात है, कस्टमर से उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर लेने के साथ ही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले की जानकारी लेना। इसके लिए कस्टमर से सुनिश्चित करें कि यह अल्टरनेट नंबर किसका है, उनका खुद का, उनके किसी फैमिली मेंबर का या किसी रिलेटिव का या फिर किसी अन्य नोन पर्सन का। पांचवी बात है, अब आउटस्टेशन कस्टमर का लोकल रेफरेंस वेरिफिकेशन OTP के द्वारा संभव है। ये सभी फीचर अब आपके लिए JioPOS Plus में जल्द ही उपलब्ध होंगी। इन सब बातों को ध्यान रखकर हम कस्टमर को जियो के साथ जुड़ने का अनुभव शानदार बना सकते हैं।